मैं अपनी बेटी को ना आज एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी डिफरेंट सी और बड़ी प्यारी सी। मैं तो आपको वही स्टोरी सुनाती हूँ ना जिसमें मोरल लेसन होता है ना। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी एक ऑक्टोपस की और एक मछली की। ठीक है, ऑक्टोपस आपको पता है ना कहाँ रहते हैं? पानी में। हाँ, वो सी एनिमल है ना। तो एक ऑक्टोपस होता है तो वो बहुत ज़्यादा ना शाय होता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे आपको कहती हूँ ना जाएं, वो देखें आपकी वो दोस्तें आई हैं आप उनसे मिलो, और आप कहती हो नहीं वो मेरी दोस्तें नहीं हैं, और आप में हिम्मत ही नहीं पैदा होती। और जुहेर को देखा ना, जुहेर आगे बढ़ के तो सबसे फ्रेंडशिप भी कर लेता है, वो इतना फ्रेंडली नहीं होता। उसके फ्रेंड्स होते हैं लेकिन वो शाइनेस की वजह से अच्छे फ्रेंड नहीं बना पाता। तो ना उसको ना फिर क्या होता है कि एक दिन ना भूख लगती है, तो वो सोचता है कि वो न जाके अपना खाना तलाश करे। उसका फेवरेट खाना होता है लॉबस्टर। लॉबस्टर? हाँ, लॉबस्टर जो होता है ना वो भी एक सी एनिमल होता है, और वो ऑक्टोपस की ना फेवरेट फूड होता है। वो बड़े शौक से ना उसको खाता है। तो ना वो खाने की तलाश में जाता है, तो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है। इतना घूमता है, इतनी दूर तक जाता है, तो ना उसको ना खुराक नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा सा और घूमता है और घूमता है, तो उसको लॉबस्टर नज़र आ जाती है। वो फटाफट जाता है कि मैं जाके उसको ना अपनी लेग्स जो है ना, पता ना ऑक्टोपस की कितनी लेग्स होती हैं जाना? आई थिंक 6 नहीं 8 होती हैं, श्योर नहीं है। अच्छा, तो उसने अपनी लेग्स के जरिए से पकड़ना होता ना। हाँ। दो बड़ी बड़ी उसकी आंखें भी होती हैं। वो जाके ना लॉबस्टर के पीछे जाता है और उसको पकड़ने लगता है। तो क्या होता है कि जो ही वो पकड़ने लगता है, उसके ऊपर एक जाल जो नेट सा नहीं होता, वो उसके अंदर फंस जाता है। ऐसे ही वो उसमें फंस जाता है। वो इतनी टांगे मारता है, इतनी कोशिश करता है, लेकिन ना कुछ भी नहीं हो पाता उस बेचारे से ना। तो इतना चीखता भी है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन आपको पता है उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते। तो ना क्या होता है कि ना वो इतना चीखता भी है, तो उसके ना फ्रेंड ना होने की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटी सी मछली होती है, वो उसको देखती है, तो वो ना ऑक्टोपस के पास आती है। उसको पता चल जाता है कि ये मुश्किल में है। उसको बोलती है, ऑक्टोपस मैं आपको ना निकाल दूँगी, लेकिन आप मुझे खाओगे तो नहीं। आपको पता ना ऑक्टोपस बड़ा होता है, वो लॉबस्टर को भी खाता है, छोटी फिश को भी खा सकता है। वो कहता है नहीं, अच्छा मैं नहीं खाऊँगा, प्लीज़ मुझे ना इस जाल से ना निकालने में बड़ी डिफ़िकल्टी में हूँ। तो ना वो कहती है फिश कहती है अच्छा। वो पहले उसकी एक लेग को छुड़वाती है, फिर दूसरी को, तीसरी को, आहिस्ता आहिस्ता सबको छुड़वा के उसको नेट से आज़ाद करती है। लेकिन वो वहाँ पे खड़ी नहीं होती, उसको डर लगता है ना छोटी फिश को, वो भाग जाती है दूर। जो ऑक्टोपस होता है ना, उसका बड़ा दिल करता है कि काश वो जो छोटी मछली है ना वो उसके पास आती, वो उसका शुक्रिया अदा करता और उसको फ्रेंड भी बनाता, क्योंकि उसने उसकी मुश्किल में मदद की थी ना, हेल्प की थी। और आपको पता है ना कि अच्छे लोग जो होते हैं फिर तो उनका थैंक यू करना चाहिए। हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ चीज़ हो उनके लिए, हमने छोड़ी हो, हमने यूज़ ना की हो, तो उनको वो भी दे, छोड़ी हो नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ हो तो हमें शेयर करनी चाहिए। अपनी छोड़ी हुई चीज़ नहीं शेयर करते, मतलब उनके साथ ना शेयर करते हैं। अच्छा, तो वो ना शुक्रिया अदा करना चाहता है और उसको फ्रेंड बनाना चाहता है, लेकिन वो फिश जो है ना वो भाग जाती है। तो ना वो इसी सोच में ना वो घूम रहा होता है, तो क्या देखता है, एक बड़ी सी मछली होती है और कई छोटी छोटी मछलियों का ना गोल होता है। तो वो जो बड़ी सी मछली होती है ना, उसके अंदर उसकी वो वाली वो मछली नहीं छोटी वाली, वो मछली भी होती है, उनमें खेल रही होती है छोटी मछलियों के साथ। वो बड़ी मछली आती है और आके ना उनको पकड़ना शुरू कर देती है, मछली छोटी मछलियों को।
तो ऑक्टोपस देख रहा होता है, ऑक्टोपस को बड़ा डर लगता है, कहता है ये तो बहुत बड़ी मछली है, तो ये कहीं मुझे भी ना खा जाए। तो वो ना छुप के ना एक वो होता है पत्थर होता है, तो पत्थर के नीचे जाके ना छुप जाता है फटाफट, ताकि इस मछली से मैं भी बच जाऊं। तो उसकी दो बड़ी बड़ी पता ना आंखें होती हैं, तो एक आंख से ना ऐसे सुराख से ऐसे करके बाहर देखता है कि मैं बाहर का ना मंजर देखूं भला बाहर क्या हो रहा है, बड़ी मछली क्या कर रही है। जो ही वो ऐसे करके देखता है तो वो जो बड़ी मछली होती है ना, वो जो छोटी मछली जिसने उसकी हेल्प की होती है ना, उसको पकड़ी होती है। तो वो ना उसके पीछे भाग रही होती है और उसको शिकार करना चाहती है। जो ही उसको उस पर नजर पड़ती है, वो कहता है ये तो वो मछली है जिसने मेरी हेल्प की थी, अब मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। सडनली ऑक्टोपस पत्थर से बाहर निकलता है और जाके जो ही वो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगती है, उनके दरमियान में खड़ा हो जाता और इतनी जोर से चीखता है। ओ आपको पता है जब ऑक्टोपस चीखता है ना तो वो एक लिक्विड खारिज करता है, धुआं धुआं जिस तरह होता है। हमने वो नीमो वाले कार्टून देखे थे ना, वो फिश जो नीमो वाली गुम हो जाती है। हाँ, नहीं नीमो वाली नहीं थी, क्या था जाइना, वो दो छोटी छोटी गिलहरियां होती हैं, वो एक वो रिया वाली वो जो हाँ वो जिस तरह वो धुआं छोड़ता है उस तरह से ना, जब उसको ऑक्टोपस को गुस्सा आता तो वो ना अपना जो धुआं होता है ना वो जब छोड़ता है तो हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, और फटाफट छोटी मछली को अपनी लेग में कैच करता है, वो पत्थर के नीचे जाके ऑक्टोपस छुप जाता है, वो जो उसकी हेल्प करने वाली मछली होती है। तो ना वो हेल्प करने वाली मछली कहती है शुक्र है, वो सोच रही होती है दिल में कि मेरी तो जान बच गई। फिर वो एक आंख से ना बाहर देखता है, क्या मैं बाहर देखूं कि अब बड़ी मछली क्या करती है। जो ही वो धुआं थोड़ा कम होता है ना, वो बड़ी मछली जो ना इर्द गिर्द गुस्सा आता है उसको, किधर गए ये सारे, मैं इनको ज़रा पकड़ूं। तो ना उसको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसका शिकार ऑक्टोपस लेके भाग जाता है और बाकी शिकार भी सारे छुप जाते हैं बड़ी मछली के डर की वजह से। तो क्या होता है जाइना कि ना वो जो बड़ी मछली होती है ना, वो जो ऑक्टोपस ने लिक्विड अपना छोड़ा था ना, धुआं छोड़ा था, उसके अंदर ना इचिंग वाला कोई मादा होता है जिसकी वजह से ना इचिंग खारिश स्टार्ट हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है। तो उसको ना बड़ी मछली को ना खारिश होना शुरू हो जाती है, वो कहती आए 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 मुझे इधर भी खारिश हो रही है, इधर भी खारिश हो रही है। उसको इतनी ज़्यादा इचिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है, वो भाग जाती है मछली, बड़ी मछली जो है ना वो भाग जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इचिंग और वहाँ पर अभी भी धुएँ का असर होता है। तो ना वो जब ऑक्टोपस देख लेता है कि मछली भाग गई है, फिर वो छोटी मछली को ना छोड़ देता है और फिर बाहर निकल आता है। फिर वो जो छोटी मछली होती है वो बाहर आके ऊंची आवाज़ से बोलती है, सारी मछलियों मेरी प्यारी फ्रेंड्स मेरी प्यारी दोस्तों बाहर निकल आओ, वो बड़ी मछली जो है ना वो चली गई है, अब हम आज़ाद हैं, अब हम सेफ हैं। सारी मछलियाँ जहाँ जहाँ छुपी होती हैं छोटी छोटी, वो सारी बाहर निकल आती हैं। तो वो जब बाहर निकल आती हैं तो वो ऑक्टोपस का हाथ पकड़ती है, छोटी मछली जो होती है वो ऑक्टोपस को कहती है, ऑक्टोपस आपका बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बड़ी मछली से बचाया, ना सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मेरी सारी फ्रेंड्स को भी बचाया। तो मैं आपसे ना फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और ये मेरी सारी दोस्त हैं ये भी आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। जो ऑक्टोपस होता है वो तो शाही होता है, तो वो ना बहुत हैप्पी होता है और वो दिल से चाहता भी है कि मैं इस छोटी मछली से मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। तो वो फिर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है और फिर उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ इससे आप सोचें, हाँ हाँ सोचें सोचें, इससे मॉरल लेसन ये मिलता है कि हमें शाइनी होना चाहिए और जिन्होंने जो हेल्प की हो उनको बचाना चाहिए, या ना जिन्होंने ना भी की हो उनको भी बचाना चाहिए। अब आपकी फ्रेंड्स आएंगी तो मैं आपको कहूँगी कि जाएं अपनी फ्रेंड के साथ बात करें, तो आप बात करेंगी? हाँ आप करिश करेंगी, अपने अंदर करिश पैदा करेंगी? हाँ जी करूँगी।
फिर ऐसे बंदा अकेला बंदा जो है ना वो फिर बोर होता है। हाँ बोर होता है ना। फ्रेंड्स हों, आप देखें जुहेर के ये फ्रेंड्स हैं रेहान वगैरह, ये देखो जुहेर खुद इनके साथ जाके फ्रेंडशिप करता है और फिर ये लोग भी उसके साथ खेलते हैं और ये इतना हैप्पी होता है। तो इसी तरह आपकी भी वो भी इतनी पुरानी फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे जाके ना खुद अस्सलाम वालेकुम किया करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने आप में करेज पैदा करो। मुझे लग रहा था कि वो ना आज नहीं आएंगी, लेकिन ना जब मैंने ये मैंने सूट पहना था ना तो वो कहती है आपने मेरा सूट चोरी कर लिया। तो आपने कहना था किसी का भी सूट एक जैसा हो सकता है, मेरा आप जैसा सूट है ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका और मेरा नहीं एक जैसा ड्रेस, आपकी और जुहेर की शर्ट्स भी एक जैसी हैं, याद है ना आपको। कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। तो अब आपने ये जो मोरल लेसन लिया है ना, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। और फ्रेंडशिप करनी है और दूसरों की हेल्प भी करनी है और जो आपकी हेल्प करें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है मेरी बेटी। समझ आ रही है ना आपको मामा? क्योंकि आप तो मेरी गुड बेबी हो ना, और बातों को मेरी बेटी फॉलो भी करती है। हाँ जी, करती हूँ। और जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो आप, आपको चाहिए कि आप खुद आगे बढ़ें, अस्सलाम वालेकुम करें, ये नहीं सोचना कि वो मेरे बारे में मामा ये कह रही होंगी, वो हंस रही होंगी, मामा मैंने नहीं करना। आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें, गट्स पैदा करें, और इस तरह से मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाएंगी। मैं जब आप जितनी थी ना तो मेरी बड़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थी। मेरी क्लास में मेरे ख्याल में थी कितनी बच्चियाँ, हम लोग 50 थी। 50 और एक जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, एक तो जहाँ पे आप पढ़ रही हैं वो प्राइवेट स्कूल है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी क्लास में डिफरेंट क्लास में पीरियड लेने जाते थे ना, तो वहाँ पे जो जो फ्रेंड्स बनती थी ना तो मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती थी। तो मुझे मिला जो मतलब आपको लगे कि वो चाहती हैं कि मेरे से फ्रेंडशिप करनी है तो आपको कर लेनी चाहिए। ये नहीं आपको सोचना चाहिए कि मामा वो देखें वो मेरे पास आएंगी तो मैं जाऊंगी, वो मुझे कुछ कहेंगी तो मैं जाऊंगी, मुझे बुलाएंगी तो मैं जाऊंगी। समझ आई है ना? जुहेर को देखा ना आपने, जुहेर कितना कॉन्फिडेंट होता है। जी आपको ना आपकी जो इधर डैंड्रफ थी ना वो थोड़ी कम हो गई है, इधर जो थी है ना, याद है ना, इधर बहुत ज्यादा थी आपकी, अभी भी है आपके सर में, वादा मेरे सर में। अच्छा मैं आपको एक ड्रीम भी सुनाती हूँ जायना, मैं आपके बाबा के साथ भी शेयर कर दी। मैंने ना कल हाफ देखा कि वो जो अयान अब्दुल्ला है ना, उनकी मामा को मैं कह रही हूँ कि आप मेरा ना सर देखें, मुझे अपने सर में बड़ी ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो आप देखें मेरे सर में कोई लाइसिस ना हो, कोई भुइयाँ ना हो। तो वो कहती हैं अच्छा मैं आपका सर देखती हूँ। जब वो मेरा सर देखती हैं तो मेरे सर के अंदर ना डैंड्रफ है, डैंड्रफ है जिस तरह बाबा की है ना उस तरह की डैंड्रफ है, लेकिन वो डैंड्रफ की ना छोटी छोटी बटरफ्लाइज बनी है व्हाइट कलर की। तो वो जूही वो कहती है ये भाभी आपके सर में से ये एक डैंड्रफ निकली है, वो ऐसे करके करती है, वो बटरफ्लाई उड़ जाती है ऐसे ऐसे करके, डैंड्रफ डैंड्रफ की बटरफ्लाई बनी है। ये मैंने कल ड्रीम देखा। सच्ची में होती है? नहीं वो तो मैंने हाफ देखा ना एक, इस तरह हो सकता कभी डैंड्रफ जो है वो बटरफ्लाई बन जाए, डैंड्रफ जो है वो चिड़िया बन जाए, ऐसे तो नहीं ना होता। तो वो डैंड्रफ जो है ना वो बटरफ्लाई बनी थी, वाइट कलर थी, बड़ी प्यारी क्यूट थी, और वो उड़ रही थी हवा में। तो मैंने कहा ये है, ये मुझे तंग कर रही है, ये वाली डैंड्रफ, ये गंदी वाली डैंड्रफ मुझे तंग कर रही है। और मैं आपके बाबा को बता रही थी तो ये भी हंस रहे थे। आपको भी हंसी आ गई ना? मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी मेरा सर देखे करेगी ना? हाँ नहीं बोलते जी, बोलते हैं जान जी। वैसे क्या मामा जी, वैसे आप कभी मुझे ये हर ड्रीम क्यों नहीं सुनाती? जो भी देखो जो
जो ड्रीम मजे का होता है ना वो मैं सुनाती हूँ ना अपनी बेटी को। वो आप ही सुना दिया करो, मुझे कुछ नहीं। अच्छा मुझे रात को इतने बुढ़े बुढ़े हाँ बात है। वो आप लोगों ने वो हॉरर वो देखी थी ना मूवीज छोटी छोटी, हाँ चुड़ैल वाली मूवी, तो जब आप वो देख के सो तो फिर आप माइंड में भी वही सोचो तो फिर आपको उसी तरह के हाँ आएंगे। अगर आप अच्छे अच्छे ड्रीम सोचेंगी ना, जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेली हूँ, उनको तो वो तो पीछे हो रहे थे तो आप भी डायरी थी, मैंने आपको देखा था मैं आप डायरी थी ना, मैंने आपको देखा था जी उठी आपको देखा था, आप भी और अब्दुल्ला भी। कोई नहीं, अब्दुल्ला सिर्फ डर रहा था। मैं आपके पापा को कहती मुझे हॉरर मूवीज, जब आप दोनों नहीं थे ना मैं हॉरर मूवीज देखती होती थी बाबा के साथ, मुझे कभी डर नहीं था लगा। तो आपको बाबा का अकेले था, आपने कौन सी देखी हुई थी? हम लोगों ने वो जो आप कह रही थी ना उस दिन, किन को पूछ रही थी, ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बी वाली, हाँ वो वाली मैंने बड़ी ज़्यादा मूवीज देखी हैं। तो आपको डर क्यों नहीं लगता था? मुझे डर नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी स्टोरीज है ना, रियल में तो ऐसा कम ही होता है ना जाना, रियल में ऐसा हो तो तब ना। आपको फिर ड्रीम आते थे? कभी कभार आ जाते थे। तो फिर आप रात को क्या करती थी? कुछ भी नहीं। आप रात को उठ कर डर जाती? ऐसे तो नहीं था होता, उठ के रात को डर जाती थी। अम्मा आपको पता है ये ना सोते हुआ ना बड़ी बातें करता है, आज भी रात को बहुत बातें कर रहा है। आज भी रात को बहुत बातें कर रहा था? हाँ पता कैसे वर्ड बोल, हाँ रात को मैंने देखा था क्या कर रहा था मुझे सही। मामा 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 मैं सो गई थी, मुझे आवाज आ गई थी लेकिन इससे वजह से ही तो मैं तंग हो गई। आप तो नहीं चुटी, हमें तो लगा था मैंने और मैं आपके खोल गई थी ना, मैंने और आपके बाबा ने देखा था, आप तो सोई हुई थी। मैं तो बांग के बाद बाद में आप ना इतनी इतनी ऊंची आवाज से ना आप स्नोरिंग कर रही थी। ठीक है रेड भी, हाँ रेड तो सबसे पहले सो गया था, आपके बाबा भी कह रहे थे, आप तीनों कह रहे थे। आप मैं लेट सोती हूँ ना तो मुझे आप तीनों के ना वो खराटों की आवाज आ रही थी तीनों, कभी एक करता था कभी एक करता था ऐसे करके। ठीक है चला जी रेली।